नमस्कार, आपका अपना YouTube चैनल सुविधा 2010 में आपका पुनः हार्दिक स्वागत। आज मेरा कुछ और प्रोग्राम था, कुछ रोचक वीडियो बनाने का, लेकिन अचानक उपायुक्त कार्यालय से एक पत्र मिला। पत्र पढ़कर सन्न रह गया। जी हाँ, उक्त पत्र के बारे में आपको सचेत कराना मेरा फर्ज समझकर सबसे पहले इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया। वीडियो के माध्यम से सूचना पाकर अगर आप सावधान हो जाएं तो मेरा वीडियो बनाना सफल समझूंगा। वीडियो पर कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाने के लिए आपको किसी प्रकार की विनती नहीं करेंगे, परंतु इस वीडियो को देखने के पश्चात आप अपनों को शेयर जरूर करना, क्योंकि आज जो आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप किसी दूसरे को शेयर नहीं कीजिएगा, हो सकता है कुछ अनर्थ हो जाए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आज हम बात करेंगे उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त पत्र के बारे में। ये राजस्व शाखा से निर्गत किया गया है या एक आदेश पत्र है। इस आदेश पत्र में स्पष्ट रूप में लिखा गया है, प्राप्त सूचना अनुसार बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवात तूफान अम्फान साइक्लोन उड़ीसा राज्य होते हुए झारखंड राज्य में अगले 24 घंटे के अंदर प्रवेश करने की संभावना है। अतः सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी सरायकला खरसांवा को निर्देश दिया जाता है कि अपने क्षेत्रांतर्गत घर से बाहर निकलने में एहतियात बरतने हेतु आम जनों में इसकी व्यापक प्रचार प्रसार की जाए। क्षेत्र में जितने भी लोग कच्चे मकान एवं बिना मकान में रहते हैं, उन्हें सरकारी भवन, विद्यालय अथवा अन्य सुरक्षित आश्रय स्थल में ठहरने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। ये देखिए, उपायुक्त का हस्ताक्षर है और इसका ज्ञापांक है 1019 दिनांक 18/5/2020। ये प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया है, चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी और खरसों सरायकला अनुमंडल पदाधिकारी को, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी और सभी कार्यपालक पदाधिकारी को सूचित किया गया है। तो ये रहा पत्र। पत्र से हमें मालूम चल रहा है कि ये अम्फान तूफान जो है ना, कितना भयंकर है। चलिए हम उसके बारे में भी थोड़ा विस्तृत जानकारी लेंगे। मौसम एजेंसी के अनुसार चक्रवात तूफान 24 घंटों में प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। पिछले साल फैनी सहित कई चक्रवातों का सामना कर चुके उड़ीसा में पिछले वाले इलाकों में 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए विशेष इंतजाम किया गया। विशेष राहत आयुक्त के जेना ने जानकारी दी। राज्य के 12 तटीय जिले गंजम, जगत सिंहपुर, केंद्रापाड़ा, भद्रक, बालासोर, बहुगंज, जसपुर, कटक, खुर्दा और नवागढ़ हाई अलर्ट पर। उन्होंने बताया कि 12 तटीय जिलों में 809 चक्रवात आश्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 242 का अभी किसी तस्वीर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लॉकडाउन के बीच विभिन्न राज्यों से लौटे लौटे हैं। सेना ने कहा, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की स्थिति में हमारे पास 867 चक्रवात आश्रय केंद्र उपलब्ध है। इसके अलावा जिले करने पर 7092 घंटों का भी इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा, लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, उड़ीसा आपदा त्वरित कार्रवाई बल NDRF और दमकल सेवा कर्मी जिले में भेजे जा चुके हैं। हम किसी भी जरूरत के लिए भारतीय तटरक्षक, मौसम विज्ञान विभाग और NDRF से निरंतर संपर्क में हैं। चक्रवात अम्फान के असम खतरे के मद्देनजर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की टीम तैनात कर दी गई है। इस बीच उड़ीसा ने कहा कि
चक्रवात से बुरी तरह से प्रभावित होने वाले 11 लाख लोगों को ब्रिटिश स्थलों पर पहुँचाने के लिए तैयार है। बीएसएफ के महानिदेशक अनिल प्रधान ने नई दिल्ली में कहा कि भारतीय मौसम विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार चक्रवात तूफान बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तूफान में तब्दील हो रहा है और संभवतः अगले 24 घंटों में यह अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। उन्होंने कहा इसका प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल सागर और बंगाल बांग्लादेश की ओर है, लेकिन इस पर कड़ी नज़र रखनी होगी। अपनी टीम की तैनात कर दी गई है, ये या तो तैनात कर दी गई है या संकट की ओर बढ़ रही है। चक्रवात भारतीय तट की ओर बढ़ने के चलते उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले में तेज हवाओं में भारी बारिश की संभावना है। कोलकाता के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने बताया कि यह तूफान 20 मई की दोपहर स्थान के अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान के तौर पर पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप समय और बांग्लादेश के आसिया द्वीप समय के बीच पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र में गुजर रहा है। कोलकाता स्थित केंद्रीय मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक के दास ने कहा चक्रवात के कारण कोलकाता पश्चिम मिदनापुर हावड़ा और हुगली सहित दुबई पश्चिम बंगाल के तटीय जिले में 19 मई को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। प्रधान ने बताया कि 7 टीम पश्चिम बंगाल में तैनात कर दी गई है। 6 जिलों में बच्ची उन्होंने कहा बिजली और पानी की आपूर्ति बहुत करने सड़कों को साफ करने राहत और बचाव अभियान शुरू करने के लिए तैयार कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक चक्रवात पश्चिम बंगाल में दस्तक दे सकता है, फिर उसके बाद झारखंड के पूर्वी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम कला समय कई जिलों में प्रभाव डाल सकता है, इसलिए एहतियात के तौर पर सभी को सूचित कर दिया गया है। अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जिनका झोपड़ी या खुले में रहने वाले सभी लोगों को सरकारी विद्यालय सरकारी भवन में सुरक्षित स्थानांतरित कर दिया जाए और ये खबर सभी को पहुँचाएँ ताकि सभी सुरक्षित रहें। यही हमारा मानक धर्म है। तो ये रहा आपका ये वीडियो, ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करने की भी चाहेंगे आप ये लाइक करेंगे तो ये लाइक करेंगे, लेकिन हम आपको गुजारिश करेंगे कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि सभी देखें और अपने को सुरक्षित रखें।